रखी है, उसके बाद अलग अलग कई नेशनल बॉर्डर के ऊपर अरेंजमेंट यहाँ पर किस तरीके का झड़ोदा है? देखिए, जैसा आपने जिक्र कर दिया है कि 144 धारा लगी हुई है और लोगों का समूह में आना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आना प्रतिबंधित है या किसी तरीके का वेपन लाठी ये सब लाना प्रतिबंधित है। हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली पुलिस की फोर्स CAPF सभी का यहाँ पर अरेंजमेंट लगा हुआ है। हमारे पास जो भी संसाधन थे और उसके साथ साथ हमने अदर एजेंसीज से रिक्वेस्ट करके इस बॉर्डर को प्रॉपर सील करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो मैं ये इंश्योर करता हूं कि इस बॉर्डर को किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं किया जा सकता। सर, देखा जा रहा है यहाँ पे मट्टी के ट्रक खड़े कर रखे हैं, कई कांटेदार यहाँ पर तारे लगा रखी हैं, तो किस तरीके से तैयारी और कल रात से चालू कर रखी है और ये कब तक रहेगी? ये तैयारी जब तक ये पूरी तरीके से किसान आंदोलन, अगर ये धारा 144 लागू रहेगी तब तक इस तरीके की तैयारियां पूरी रहेंगी। साथ ही साथ न केवल ट्रक बल्कि जर्सी बैरियर और बाकी संसाधन हमने यहाँ पर उपलब्ध कर रखे हैं। जिस समय ही ये लगेगा कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करते हुए इस बॉर्डर की तरफ पहुंच रहा है तो इमीडिएटली हम इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। द्वारका डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के अलावा यहाँ पर किसी और भी स्टाफ को बुलाया गया या कोई और फोर्स यहाँ पर तैनात की गई? हमारे पास CAPF भी है, हमारे पास क्राइम ब्रांच का पूरा स्टाफ है, हमारे पास बटालियन से स्टाफ है और जितने भी अदर यूनिट्स हैं इम्पोर्टेंट उससे भी PNL और सभी से स्टाफ मिला हुआ है यहाँ के लिए। शुक्रिया। तो यहाँ पर टोटल लगभग 2000 से ज़्यादा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है पूरे डिस्ट्रिक्ट में।